फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बन चुका है जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हमने सभी प्रश्नों के जो फॉर्मूले होते हैं एक ही वीडियो में आप लोग को समझाने का कोशिश किया है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके फाइनली देख सकते हैं। और सभी अध्याय का जो आप जैसे कि एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी मैथ का पूर्णपेन सोल्यूशन आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से डाल चुका हूँ, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं पूर्णपेन एनसीईआरटी का सोल्यूशन। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखा जाए, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखिए, दो वृत्त का जो हम लोग को त्रिज्या दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है तीसरे वृत्त की परिधि जो है इन वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। बिल्कुल समझ गया। सबसे पहले हम लोग इस वृत्त, दो वृत्त जो दे रखा है, उन दोनों वृत्त का हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। मतलब त्रिज्या दे रखा है तो परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं R1 बराबर, मतलब पहला वृत्त का जो है त्रिज्या दे रखा है 19 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त के लिए R2 बराबर हम लोग लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग वृत्त की जो है परिधि ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर आप लोग को पता है 2πr होता है, 2πr, 2πr, r तो हम लोग को 1 देना है, क्या है कि हम लोग पहला वृत्त का निकाल रहे हैं तो 2 के जगह पे 2 दीजिए। अब पाई के मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7, लिख भी सकते हैं और फिलहाल हम ये लोग यहाँ पे पाई के जगह पे पाई ही लिख देते हैं। और r का मान जो दे रखा है, r का मान क्या दे रखा है, 19, तो लिख देंगे 19। यदि हम इसको गुना करते तो 19 दुना 38, ठीक है, 38 पाई हो गया। तो बिल्कुल समझ गए, यदि पहला वृत्त की परिधि की बात करें तो क्या हो गया, 38 पाई हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरे वृत्त की ओर चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे दूसरा, ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर, तो सेम फॉर्मूला होगा 2πr2 दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे r2 दे देंगे, क्योंकि r2 मतलब दूसरे वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे और पाई के जगह पे हम लोग पाई ही लिख देते हैं। r का जो हम लोग का मान पता है क्या है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या 9, तो हम लोग लिख देते हैं 9, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे 9 दुना का 18 हो जाएगा और पाई के जगह पे लिख दीजिए पाई, बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, सवाल ये था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, मतलब त्रिज्या ज्ञात करना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ये दूसरा हो गया तो वो वृत्त क्या होगा, तीसरा ना, तीसरे वृत्त का परिधि बराबर, बिल्कुल आसान है, परिधि बराबर तीसरे वृत्त का, यदि हम लोग परिधि बात करें क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब तीसरे वृत्त मतलब दोनों वृत्तों के परिधि के योग, तो दोनों वृत्त जोड़ लीजिए, पहला वृत्त कितना 38 पाई प्लस दूसरा वृत्त 18 पाई, ठीक है, दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, किस किसका, तीसरा परिधि इधर है 2πr, और तीसरे वृत्त की परिधि हम लोग को नहीं मालूम है ना तो त्रिज्या मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो कहा गया है कि तीनों मतलब दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर उसका परिधि है, त्रिज्या ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है। तो दोनों वृत्त के परिधि को हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं तो 8 8 क्या हो जाता है 16, ठीक है, 3 1 4 1 5, ठीक है, 56 हो गया, 56 पाई। अब इधर देखिए 2πr लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पाए और यहाँ भी पाए, तो पाए पाए हो जाएगा कैंसिल बराबर में, और इधर बच गया 56, ठीक है, और इधर बच गया 2r, समझ रहे बात को। यदि हम लोग इस 2 को इस साइड भेज देंगे तो हम लोग को 56/2 हो जाएगा, इधर क्या बच गया r, ये जो है इधर गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भाग में हो गया, इसलिए हमने 2 को इस साइड भेजे, बराबर की साइड में भेजेंगे तो गुना में था तो इधर आके हो गया भाग में, और r बराबर यहाँ निकल के आ गया 28, तो इक्वल r बराबर क्या आ गया 28। तो मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या ही नहीं ज्ञात करना था, मतलब r ही ज्ञात करना था, तो क्या आ गया निकल के 28 आ गया, बिल्कुल इस बात को समझिए, यहाँ पे 28 समझिएगा, ठीक है, क्या समझिएगा 28। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न को आसान तरीका से हल कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है।
दूसरा नंबर सवाल सेम उसी प्रकार से दिया गया, कोई चेंजिंग नहीं, बस उसमें हमने क्या किया था, परिधि को जोड़ के बराबर निकाले थे, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर, ठीक है। इसमें जो है क्षेत्रफल दे रखा है, बहुत आसान है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बिल्कुल आसान है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए R1 = 8 सेंटीमीटर, R2 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल, तो अब हम लोग लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है आप लोग को पता है, πr², तो लिखेंगे यहाँ पे πr², तो देखिए पाई के जगह पे हम लोग पाई ही रहने देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे फिलहाल। R² तो R का मान पहले वृत्त का देखेंगे, R का मान 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर कर लीजिए, या तो 8 का स्क्वायर क्या मतलब, 8 × 8 तो मतलब 64 पाई, बिल्कुल आसान था ना, ये हो गया 64 पाई। अब हम लोग लिखेंगे दूसरे वृत्त का, यहाँ पर लिखेंगे फिर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो दूसरे वृत्त के लिए भी फॉर्मूला वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्या होगा πr², वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई के जगह पे पाई ही देंगे, r का मान हम लोग क्या देंगे 6 देंगे इस बार, क्योंकि दूसरा वृत्त देख रहे हैं, तो r का मान हम लोग देंगे 6, तो मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6×6 = 36 पाई, 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6×6 2 बार 6, ठीक है, यहाँ हो गया 36 पाई। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है, तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जो क्षेत्रफल होता है वही ना होगा वृत्त का क्षेत्रफल ही ना, यहाँ पर लिखेंगे πr² और दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा इसलिए हम लोग बराबर में फॉर्मूला ही लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखेंगे, लेखन निकला है 64 πy + 36 πy, ठीक है, बराबर πr², बिल्कुल आसान था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, 64 और 36, 6×4 = 10, 6×3 = 9, 1 = 10, यहाँ पे हो गया 100 πy बराबर πr². तो यहाँ पे हम लोग पाई पाई का मान ख़त्म कर लेते हैं, ये पाई ख़त्म हो गया, दोनों साइड पाई जो है ख़त्म हो गया, तो अब बच गया क्या 100 = r², तो r² रहता है तो मतलब स्क्वायर इधर है, स्क्वायर है r का जो है मान स्क्वायर में है, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ हम लोग को r का मान निकालना है, इसलिए हम लोग r इधर जो है स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 100 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बराबर r, तब 100 जो है क्या आ गया, रूट में आ गया, बिल्कुल इस बात को समझेंगे। और इसको हम लोग यदि रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, मतलब रूट अंडर 100 है, तो इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया r बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, तो बिल्कुल आसान था। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है। यहाँ पे हम दूसरे नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये r बराबर निकला है हम लोग को 10, मतलब ये तीसरे वृत्त का जो हम लोग को त्रिज्या निकला है, तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकला है, तो यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या दे रखा था। देखिए प्रश्न में दे रखा था कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो ये दोनों वृत्त के हम लोग क्षेत्रफल को योग को जोड़ लिए थे सिंपल सा, और इसके बराबर हमने इसका त्रिज्या निकाल लिया जैसे कि पहले वाला सवाल में हमने हल किया था। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दे रहा है आकृति 12.3 में एक तीरदाजी लक्ष्य को दर्शाती, तीरदाजी क्या होता है, जिसपे हम लोग तीर का जो निशाना दर्शाते हैं लगाते हैं, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। गोल्ड अंक वाला क्षेत्र का जो व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा अन्य पट्टी की जो चौड़ी है वो कितने हैं 10.5 चौड़ी है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन पट्टियों के क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान है इसको समझना, चलिए देख लेते हैं।
ये जो है ये पिक्चर हो गया और कह रहा है गोल्ड का जो ब्यास दे रखा है, गोल्ड का जो ब्यास दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। हालांकि हम लोग को यहाँ पे गोल्ड, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ी सी आप लोग को बात समझना होगा, उसके बाद जो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे ब्यास दे रखा है, मतलब डी दे रखा है, तो आर बराबर क्या हो जाता है, डी बटे टू। तो आर बराबर हम लोग यदि ज्ञात कर लें 21 बटे दो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, कहने का मतलब 10.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए। यदि हम बोले कि इसमें बताइए गोल्ड का, तो हम लोग पहले गोल्ड का निकाल लिए, गोल्ड का आर मतलब त्रिज्या क्या हो गया, 10.5 हो गया ना, 10.5 हो गया आर। यदि हम बोले भाई रेड का क्या होगा, तो रेड का क्या होगा, तो रेड में देखिए एक और चीज़ यहाँ पे दे रखा है 10.5। ये जो चौड़ी जो है, ये सड़क जो है, मान लीजिए सड़क है, ये चौड़ा कितना है 10.5 है, कितना 10.5। और यहाँ से यहाँ मतलब ये सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि सभी वृत्त का एक ही केंद्र होगा, तो ये तो ये हो ही गया। और इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वृत्त का भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग 10.5 प्लस का 10.5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निकल के आ गया 21। 21 क्या हो गया, रेड का हो गया। इसी तरह हम लोग ब्लू का निकाल लेते हैं, ठीक है, ब्लू का निकाल लेते हैं। ब्लू का निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, 21 में हम लोग क्या कर देंगे, फिर 10.5 जोड़ देंगे, क्योंकि चौड़ी जो है ये जो कितना है चौड़ी, इसके बीच की दूरी जो है 10.5 है, तो यहाँ पर जो हो जाता है 31.5 हो जाता है, ठीक है। अगले आगे हम लोग देख लेते हैं, यदि ब्लैक का हम लोग इसी तरह निकालते रहे तो ब्लैक का हो जाएगा 31.5। यहाँ तक का मतलब हम लोग ने ब्लैक तक तय किया है, मतलब ब्लू तक, तो 31.5 आया, तो 31.5 10.5 को ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, 31.41 और 1.42 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अब यदि हम लोग वाइट का निकालते हैं, वाइट का यदि हम लोग निकालने जाए वाइट का, तो क्या हो जाएगा, 42 और 10.5 को फिर से जोड़ दो, उसमें क्या हो जाता है, 52.5 हो जाता है। तो ये हो गया सबका त्रिज्या। तो हम लोग क्या निकाल लिए, आर का निकाल लिए, मतलब गोल्ड का निकाल लिए, रेड का निकाल लिए, ब्लू का निकाल लिए और ब्लैक का निकाल लिए, वाइट का निकाल लिए। अब हम लोग आसान तरीका से निकाल सकते हैं सभी का त्रिज्या। त्रिज्या तो हम लोग निकाल ही लिए, अब हम लोग निकाल क्या सकते हैं, इसका क्षेत्रफल आसान तरीका से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको गोल्ड निकाल के समझाते हैं, उसके बाद आप लोग को कुछ इससे जुड़ी बातें हम आपको समझाएंगे। पहले गोल्ड देख लीजिए, ठीक है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, मैं आप लोग को समझा देता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। यदि हम गोल्ड का निकालें, लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, तो कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान क्या निकल के आया था, 10.5 आया था, 10.5 गुने क्या हो जाएगा, 10.5। देखिए ये कट जाएगा शायद, 7 × 7, ठीक है, और यहाँ बच गया 3, तो 7×5 = 35, ये कट गया। और इसको हम लोग गुना कर देते, जब आपस में सबको गुना कर दीजिएगा, इसको पहले 22 गुने अलग अलग गुना करेंगे तो बेटर होगा, जल्दी से कर पाएंगे। यहाँ पे गुना करेंगे, इसको गुना किए तो 33.0 आ जाएगा, और उसमें गुना कर देंगे 10.5 से, तो आप लोग एक आटा भी गुना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सुविधा अनुसार। तो ये हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए, सॉरी गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, 346.5। तो ये हो गया किसका, गोल्ड का हो गया। चलो भाई आप लोग समझ गए होंगे, गोल्ड का हमने निकाल लिया, क्योंकि गोल्ड का हमको त्रिज्या मालूम था इसलिए निकाल लिया। अब देखिए सर इसका निकालते हैं, किसका, रेड का, रेड का क्षेत्रफल निकालना, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त है, लेकिन हमको रेड का ही ये वाला भाग का हिस्सा निकालना है, ठीक है, ये वाला नहीं। तो यदि हम रेड का निकालेंगे तो, क्योंकि हम लोग को त्रिज्या तो दे रखा है गोल्ड से, दे रखा है गोल्ड से रेड तक दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग को गोल्ड का भी निकालना होगा, गोल्ड का भी निकल जाता है, और किसका निकल जाता है, रेड का भी निकल जाता है। यदि हम रेड का निकालते हैं तो गोल्ड का भी साथ ही निकल जाता है, क्योंकि गोल्ड से ही त्रिज्या बना है रेड तक। सिंपल सी बात आप लोग को समझने के लिए, गोल्ड से ही बना है त्रिज्या कहाँ, रेड तक, यहाँ तक आ रहा है पॉइंट, ये त्रिज्या आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेड का निकाल लेंगे, दोनों का निकाल लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, गोल्ड हट मतलब माइनस कर देंगे। कैसे है देखिए, क्या करेंगे, क्या होता है, रेड का क्षेत्रफल लिख देंगे पाई स्क्वायर, माइनस लिख देंगे क्या, गोल्ड का
गोल्ड का क्षेत्रफल बिल्कुल आसान है। देखिए पाई की जगह पर दीजिए 22/7 और इसका जो क्या निकल गया था, मतलब ये क्या कहते हैं, ये त्रिज्या, त्रिज्या क्या निकल के आया था, तो त्रिज्या मैंने यथर ज्ञात किया था, देख लीजिए यहाँ पे शायद त्रिज्या रेड का ना 21 आया था। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 21 × 21 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का ऊपर में निकाले हैं ना अपन, ये गोल्ड का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46.5। बिल्कुल आसान था ना, तो सत्य है 21 और यहाँ पे यदि हम लोग गुना करने जाए तो क्या हो जाएगा, 22 × 66 × 21 माइनस 346.5। चलिए इसको दोनों को गुणा कर लेते हैं तो आ जाता है 1386 माइनस, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये गोल्ड का क्षेत्रफल हमको चाहिए नहीं, सिर्फ हम लोग को रेड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए एक बार आप लोग, 10 × 39.5 ये हो जाता है, ये क्या हो गया, रेड का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से हम लोग ने रेड का भी निकाल लिया। अब आप लोग को बात समझ में आ रही होगी किस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। यदि हम लोग को बोल दे भाई यहाँ तक निकाल लिया, अब ब्लू का निकालो, ब्लू का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को देखिए ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, तो मतलब ये जो है इसका त्रिज्या कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है। हम लोग को किसके साथ बन रहा है, सबका बन रहा है, मतलब सभी का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो ऐसा करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे गोल्ड रेड का, दोनों का माइनस कर देंगे ना, दोनों का माइनस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के माइनस कर देंगे इसमें, तो निकल जाएगा सिर्फ क्या, ब्लू का निकाल दे, ब्लू का निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, गोल्ड प्लस किसका, रेड ना, रेड का क्षेत्रफल, दोनों का माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ ब्लू का निकल जाएगा। यहाँ यदि निकाल रहे हैं तो यहाँ पे गोल्ड रेड ब्लू दोनों तीनों निकल रहा है, ठीक है, हमको निकालना है किसका, सिर्फ ब्लू का, तो हम लोग रेड और गोल्ड को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ दिए माइनस में लगा दिए, यहाँ पर हो जाएगा 22/7। और देखिए क्या कहते हैं इसका, ब्लू का जो हम लोग निकाले थे क्या निकाले थे, 31.5 निकाले थे, ठीक है, 31.5 × 31.5। और गोल्ड का देख लीजिए भाई, यहाँ पे देख लो गोल्ड का सर 346.5 प्लस ये कितना है इसका, रेड का 10 × 10 = 10 39.5 निकल के आया है। देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पे हम लोग काट भी सकते हैं, तो चलिए काट के देख लेते हैं, ये 4 × 7 = 28 और 5 हो गया। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, इस सबको गुना कर लीजिए, 22 × 4.5 × 31.5 सबको गुना करने के लिए जाइएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, ये माइनस में लगा है, माइनस लगाइए, इस सभी को जोड़ने के बाद आप लोग को आ जाता है 1386। आप लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, मैंने पहले से जोड़ लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1732। इस दोनों को माइनस करेंगे तो 1732.5 आ जाता है। तो बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए हों। चलिए हम अब लोग देख लेते हैं किसका, ब्लैक का, ब्लैक का कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान है ब्लैक का निकालना। देखते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनस किसका किसका क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए, किसका किसका, गोल्ड रेड ब्लू तीनों का नहीं चाहिए, ब्लैक का चाहिए ना, तो जिसका जिसका नहीं चाहिए इसमें लिख देते हैं, पहले गोल्ड का नहीं चाहिए, प्लस किसका नहीं चाहिए, रेड का भी नहीं चाहिए, प्लस ब्लू का भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी का हमको चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए हम लोग को निकल जाता है ये यहाँ तक, ब्लैक का जो है गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक तीनों का निकल जाता है। इस सर्किल का हम लोग जो त्रिज्या ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं ना जी, इसमें माइनस तो नहीं कर रहे, त्रिज्या का जो संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही को रेखा जो जाती है जाते रहेगा, ठीक है, यहाँ तक त्रिज्या ले रहे हैं इसलिए ये सभी का निकल जाता है, सिर्फ हमको चाहिए ब्लैक का ना, इसलिए ब्लैक को हम लोग माइनस कर लेते हैं उनमें से, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 22/7 × अब देखिए ब्लैक का हम कितना निकाले थे, क्या कहते हैं इसका त्रिज्या, कहेंगे 42 निकाले थे सर, ठीक है, 42 × 42। अब देखिए गोल्ड कितना, 346.5। रेड कितना निकाले थे, रेड हाँ 10 × 39.5 प्लस ब्लू, कहाँ गया ब्लू, यहीं पे है 17 × 32.5, ठीक है, बिल्कुल समझ गया हूँ। अब इसको घेर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे काट लीजिए 7 × 42,
इस सभी को गुना कर लिए 22 × 6 × 42 तो आ जाता है 5444। ठीक है, आप लोग एक बार गुना कर लेंगे, इस सभी को आप लोग एक बार जोड़ लेंगे। ठीक है, मैं एक जोड़ लिया हूँ पहले से, 31 18.5 आ जाता है और इसका आंसर हो जाएगा 24 25.5। बिल्कुल आसान था। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। देख लो भाई, ये क्या है आगे, वाइट है ना, वाइट का देख लेते हैं, वाइट बच गया, लिख लेंगे वाइट का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस, किसका किसका होगा माइनस, गोल्ड प्लस रेड ब्लू प्लस ब्लैक, ये सभी का माइनस होगा इस बार। बिल्कुल आसान है, देख लीजिए, पाई की जगह दीजिए 22/7 गुना, और इसका क्या कहते हैं, वाइट का जो त्रिज्या निकला था आर बराबर कितना निकल के आया था, तो 52, हाँ शायद 52.1। ठीक है, एक बार देख लिया जाए भाई कहाँ निकाले थे, 52.5 निकला था, सॉरी 52.5 निकला था, उन्होंने पहले निकाला था गुना 52.5। अब इसको सभी को देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें ब्लैक जोड़ दिया जाए, देखिए चलिए उसको छोड़िए, इसमें ये ब्लैक हो गया, चलिए सबको लिख ही लेते हैं। गोल्ड कितना था, 346.5 प्लस 1039.5 क्या था, रेड और ब्लू निकल के आया था 1732.5 प्लस ब्लैक निकल के आया है 2425.5। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, चलिए बिल्कुल आसान है, इसको काट लेते हैं 7 × 7 49 × 7 25 35। ठीक है, और इस 22 × 52 इस एक मिनट 22 ये 22 × 52.5 × 7.5 और इस सब को ऐड कर लेते हैं, माइनस कर दिए, इस सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है 5444 आ जाता है, आप लोग माइनस करके देख लेंगे। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, पहले इसको गुना करते हैं 3118 ये, सॉरी हम आंसर ही लिख दिए थे आप लोग को, यहाँ पे हो जाएगा 86.6250 माइनस 5444 तो आंसर आ जाएगा 3118.50 ये आ गया, ये हो गया वाइट का। ठीक है, सभी को बारी बारी से हमने क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिया, बिल्कुल आसान था, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं चौथे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। चौथे नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यदि किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, बिल्कुल समझिए, किसी कार का जो पहिए का व्यास जो 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ये समझ लीजिए, और कह रहा है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब एक घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, बिल्कुल, तो कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता, मतलब 10 मिनट में जो है पहिया कितना बार चक्कर लगाता है। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है, समझ रहे हैं बात को, इसलिए हम लोग करें, पता हम लोग को क्या दे रखा है, 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो इसको हम लोग सही से लिखते हैं, 1 घंटा में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। तो हम लोग घंटा को जो है मिनट में बदलते, क्योंकि हम लोग को आंसर किस में निकालना है, मिनट में निकालना है ना, इसलिए यहाँ पे मिनट है, तो घंटा को जब हम लोग मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 66 किलोमीटर, और देखिए यहाँ पे जो है किलोमीटर नहीं देके यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं 66 पे 3 जीरो लगा दीजिए, यदि सेंटीमीटर में बदलते हैं तो उस पर 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया 66 लाख। ठीक है, बिल्कुल समझ गए, मतलब 60 मिनट में दूरी तय करेगा 66 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बिल्कुल समझ गए, यदि हम लोग को 10 मिनट का दूरी तय क्या निकालना है, तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, 1 मिनट का निकालना होगा, 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हम लोग एक एक नियम से जानते हैं इस बात को कि 66 लाख बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको काटेंगे नहीं, इसी तरह रखेंगे। ठीक है, अब 10 मिनट की बारी आता है,
10 मिनट में कितना दूरी तय किया है, क्या करेंगे 66 लाख बटे 60 और गुना कर देंगे क्या 10 से, तो निकल जाएगा ये जीरो ख़त्म, और 66 में इसको भाग दीजिए, 6 एकम 6 और ये कितना आ जाएगा जीरो देख लीजिए, बाकी जो बचा है जीरो मतलब 1 2 3 4 5 ना, तो 5 जीरो बैठा दीजिए, ये ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब 10 मिनट में कितना करेगा तय 11 लाख, ये बात आप लोग को समझ में आ गई? तो जी बिल्कुल आ गई। अब देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ सोचने वाली बात है कि हम लोग को कह रहा है, सवाल ये दे रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, ये पूछ रहा है। तो हमने दूरी तय कर लिया, अब दूरी क्यों तय कर लिया देख लीजिए। अब ये मान लीजिए ये पहिया है फिलहाल, इसका मान लीजिए ये जो है व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इस पहिए को, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर परिधि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। यदि परिधि निकाल लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको मापना, तो ये 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का मतलब इसको खोलेंगे एक बार ही चक्कर लगाएगा तो कितना 1 मीटर दूरी तय करेगा, इसलिए हम दूरी हमको पता है, लेकिन यदि परिधि ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना चक्कर। तो चलिए इसके लिए एक सूत्र होता है, मस्त सूत्र, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पहिया के चक्कर की संख्या, बिल्कुल आसान, संख्या बराबर क्या लिखेंगे दूरी है बटे कर देंगे परिधि, बिल्कुल आसान था ना। देखिए दूरी क्या दे रखा है 11 लाख, यहाँ पर लिख लेते हैं कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, 4 1 5 बटे परिधि क्या होता है, तो कहेंगे 2πr, ठीक है 2πr। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 11 के जगह पे 11 लाख ही लिखेंगे, 11 लाख की जगह पे 11 लाख लिखेंगे गुने 2π का मान 22/7, तो 7 गुने r का मान, अब r का मान कहाँ से लाए सर, देखिए दे रखा था कितना, इसका व्यास दे रखा था 80 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होता है d पता है, ये क्या है d दे रखा है, तो r बराबर होता है d बटे 2, मतलब d दे रखा है 80/2, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 40, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग काटते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं काटे सर, देख लीजिए इसलिए नहीं काटे कि मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे काटने में, यहाँ पे इसलिए नहीं काटे। अब देख लीजिए 11 लाख 2 4 1 5, ये 7 जो है भाग में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, अब यहाँ पर बच गया 2 × 22 × 40, अब देखिए कितना मज़ा से काटते हैं हम लोग, ये जीरो पहले ख़त्म, ये जीरो पहले ख़त्म, ठीक है 22 × 5 = 110, तो ये कट जाएगा 22 × 5 = 110, तो 5 इधर बच गया 30, ठीक है 30 5000 हो जाएगा, 5000 हो गया, ये 22 भी ख़त्म हो गया। अब 5000 को हम लोग 2 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है 2500 को हम लोग 4 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा शायद, हाँ 625 ही होगा बिल्कुल। अब 625 गुने क्या हो जाएगा देख लीजिए, 625 गुने का 7 हो जाएगा और आंसर आ जाता है कितना 4375, आप लोग गुना करके एक बार ज़रूर देख लेंगे। कहने का मतलब टायर जो है वो मतलब 11 लाख सेंटीमीटर तय करने में, 11 लाख सेंटीमीटर तय करने में या 66 किलोमीटर तय करने में वो चक्का घूमेगा 4375 बार, 4375 बार ये घूमेगा, ठीक है तो बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को इस बार ज़रूर लाइक करना। देखते हैं हम लोग पाँचवा नंबर सवाल, बिल्कुल आसान है इसको समझना। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, अपना उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रश्न दे रखा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है आपस में क्या है बराबर है, संख्या रूप से बराबर है। वृत्त का परिमाप लिख लेंगे यहाँ पे, वृत्त का परिमाप बराबर है क्या वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दे रखा है या परिमाप नहीं बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या होता है वृत्त का परिमाप, तो 2πr होता है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई पाई कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे भी आर और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग इस एक लाइन को और फॉलो कर लेते हैं। टू आर हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया, बच गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बच गया। तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, इस तरह से बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है। ये आर स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, तो यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, ये कार ख़त्म हो गया, तो बच गया कितना, एक आर बच गया। तो ऐसे बात करें, टू बराबर क्या हो गया, आर हो गया, या आर बराबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो मतलब आर बराबर कहे तो टू, तो इसका जो सही आंसर मतलब त्रिज्या कितना होगा उस वृत्त का, जो कह रहा है त्रिज्या कितना होगा, टू होगा, मतलब मात्रक दो मात्रक। बिल्कुल आसान था ना। चलिए वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।